ओके सो गाइस, फिलहाल बैठने की जगह तो है नहीं, मैं छत पे आ रखा हूँ अपनी, और धरती माता है, बैठ जाते हैं इसके ऊपर ऐसे ही, ठीक है। सो गाइस, फिलहाल जो आज की अपने वीडियो होने वाली है वो फिलहाल आपने देख लिया होगा। फिलहाल मैंने गाइस एक वीडियो देखी अपने यूट्यूब पर, जो कि मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, उसको मैं करीबन जानता था 1 से 2 साल से, मेरा दोस्त था, बहुत अच्छा दोस्त था, ठीक है, हम काफ़ी टाइम से साथ थे, और मैंने एक वीडियो देखी उसकी, तो उसने यार मेरे को ही एक्सपोज कर दिया और मेरी रिकॉर्डिंग बना करके उसने यूट्यूब पर अपलोड कर दी। मतलब यार बंदे कैसे कैसे आ चुके हो आज के टाइम में, मुझे तो हंसी भी आ रही थी और उसकी रिकॉर्डिंग सुनने में। मतलब उस बंदे ने इतनी शर्म नहीं करी कि एक लड़की की, मतलब लड़की के बारे में बोलता चला गया। बात मैंने स्टार्ट की थी लड़की के ऊपर, कोई बात नहीं, चलो मैंने बात की थी, बट मैं सीरियस था जिस लड़की के लिए, उसके ऊपर मैंने बोलना स्टार्ट किया था, ठीक है। तो उस बंदे ने इतनी शर्म नहीं करी कि भाई उसने यूट्यूब पर उस लड़की की, क्या नाम है, मेरी रिकॉर्डिंग ऐसे करके डाल दी, और लोगों का काफ़ी ज़्यादा हेट मेरे को आया, ठीक है, इस चीज़ के लिए। तो मैं उन व्यूवर्स के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, ये कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं चल रहा है यहाँ पर, कुछ नहीं चल रहा। उसने गाइस देखो, आपने को आपको पता है गाइस, उसने मेरी गाड़ी पहले तो गाइस उसने पहले गाड़ी मेरी चोरी कर ली थी, ठीक है। उसने पता नहीं कौन से अपार्टमेंट में, कभी भाई एक दोस्त होता है ना, वो इतना नहीं चलता, वो इतना कर सकता है दोस्त का, लेकिन एक दिन के लिए छुपा देगा आपके, 2 दिन के लिए छुपा देगा भाई, 10 दिन के लिए। मुझे पता है गाइस मेरे ऊपर कैसी चीज़ें बीती थी, एंड घर वाले मुझे कितना डांट रहे थे, गाड़ी तेरे भी कहाँ चलेगी, तू गाड़ी हाथ मत लगाएगा, गाड़ी की ये मत किया कर, मौत कर, वो मत किया कर। तो काफ़ी लोग जितना मेरे को हेट आ रहा था, मुझे घर वाले भी वो टॉर्चर कर रहे थे, इधर से गाइस पब्लिक था। फिर उसने कभी ये चीज़ नहीं सोची मेरे बारे में कि भाई मेरे ऊपर क्या बीत रही है, मैं बिना गाड़ी के मतलब इधर नहीं जा पा रहा, उधर नहीं जा पा रहा, काफ़ी सारे शूट्स होते हैं मेरे, तो उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहा। आपको मैं एक बात बता दूं, आपने कहा अगर वो रिकॉर्डिंग जरूर सुनी होगी, तो आप मैंने उसके अंदर क्या बोला था कि भाई तू मेरी, अगर तू दोस्त है या फिर कुछ भी, चल तू पैसे मत दे, ठीक है, मैं तेरे ज़्यादा पैसे वगैरह कुछ नहीं मांग रहा। तो क्या कहता है भाई तू दोस्त, अभी साहिल को बताता फिर रहा है, ये करता फिर रहा है, वो करता फिर रहा है, तो भाई क्या सीन था गाइस, मैंने साहिल को इतना कुछ नहीं बताया था। साहिल, आप भाई सोच रहे होंगे साहिल कौन है भाई बीच में, तो साहिल हमारा स्कूल फ्रेंड था, ठीक है, स्कूल फ्रेंड था वो, तो एस आर यू का दोस्त था, तो उसने मेरी दोस्ती कराई थी साहिल से, तो साहिल मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड बन गया था, वो मेरी स्टोरीज वगैरह में नहीं आता, जो बात है सो रियलिटी है, ठीक है, वो मेरी स्टोरीज वगैरह में आता नहीं है, तो उसको पसंद नहीं है ये सब चीज़ें। आपको बता दूँ साहिल का क्या सीन था भाई, मैंने साहिल को बोला कि साहिल से, साहिल ने वो वीडियो देखी, तो साहिल ने बोला भाई गाड़ी में ठोक दी इसने एस आर बी ने, तो पैसे वैसे ले ले तू अपने। तो मैंने कहा भाई तेरी बात भी ठीक है, तो मैंने बोल दिया भाई उसने पैसे दे ही नहीं भाई वो मेरे, तो सीन ऐसा भाई मैंने एस आर बी को बोला था कि तेरे को अगर हो सकते हैं पैसे दे दियो, वरना नहीं होते तो मत दियो। अगर कहीं एस आर बी के मन में होती तो भाई वो पैसे मेरे को पहले ट्रांसफ़र मार देता, ठीक है, बट उसने ऐसा नहीं करा, क्योंकि उसके पास तो भाई मेरा नंबर भी था, मेरा मोबाइल नंबर भी था, पर उसने नहीं करा ऐसा कुछ भी। अगर उसमें दिमाग होता या फिर कुछ होता तो भाई मुझे पक्का मेरे पेटीएम में पैसे डाल देता अकाउंट के अंदर, ठीक है। तो ये बात तो गाइस छोड़ दो कि वो मेरे कभी पैसे देगा या नहीं देगा, जो भी कुछ है मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो गाइस मेन मुद्दा था जीएफ के ऊपर, ठीक है गाइस, ये चीज़ पता है क्या चीज़ बोलता है हमेशा, ये बोलता है भाई तेरे जीएफ की ये मेरे पास मैसेज आया, तेरे जीएफ का, तो हर किसी को जलन होती है भाई, ठीक है, सबकी अपनी पर्सनल लाइफ है, ठीक है, ये मेरी जीएफ है, ठीक है, एसआरबी की जीएफ है, जो भी कुछ है, मैंने कभी जीएफ की उसकी एसआरबी की जीएफ को मैंने फॉलो नहीं करा, ठीक है, कभी भी मैंने फॉलो नहीं करा, ना ही मैंने कभी सोचा कि मैं उसकी जीएफ से बात करूं, बट इससे क्या सीन था, इसने मेरी जीएफ को फॉलो किया, उसके बाद ये डायरेक्टली उससे बात करना इसने स्टार्ट कर दी, और मेरे से बस अब मुझे नहीं पता कि इस लड़की भी गलत है या फिर एसआरबी भी गलत है, जो भी कुछ है। तो क्या होता था, ये आपस में दोनों बात करते थे, मुझे कुछ नहीं पता चलता था, ठीक है, अब मुझे ये भी नहीं पता कि भाई लड़की गलत है, वो आपको गाइस पूरी रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा, जो मेरी जीएफ से मेरी बात हुई थी वो उसके अंदर आपको रिकॉर्डिंग पूरी सुना दूंगा। तो गाइस मुझे नहीं पता था कि इन दोनों क्या बात होती थी, मुझे एसआरबी ने ये बात बोलती थी, वो रिकॉर्डिंग में तेरे को सेंड कर दूंगा, तू खुद जज कर लियो कि तेरी लड़की गलत है फिर मैं गलत हूँ। भाई ठीक है, चल लड़की भी गलत है, तू तो दोस्त है ना मेरा, तेरे को तो समझनी चाहिए ना कि उसकी वो बंदा इतना प्यार करता है उसको, तो उसके बारे में तू ऐसा कुछ ना बोले या फिर उससे ज़्यादा बातें ना करे, क्योंकि मेरे लिए उसके लिए फीलिंग्स थी उस लड़की के लिए, ठीक है, तो मैं उससे डायरेक्टली बात करता था, मतलब कि हमारा 2 साल का रिलेशन था। बट मुझे नहीं लगता गाइस एसआरबी अब वैसा दोस्त रहा है जैसे पहले था। अब देखो सबके सब्सक्राइबर चले चले बढ़ जाते हैं, तो भाई सब में अपने अपने आया थी एटीट्यूड सबके अंदर आया था, तो कोई बात नहीं भाई, मेरे कम सब्सक्राइबर्स हैं सो, बट मेरी पब्लिक पॉजिटिव है, ठीक है, जो बात है सो है, मेरी पब्लिक पॉजिटिव है, जो भी मुझे लाइक करता है गाइस वो तो खैर लाइक करता ही रहेगा, जो हमेशा के लिए, क्योंकि मैं कभी गलत नहीं करता, मैं कभी ऐसा नहीं करता किसी लोगों के पैसे खा गए या फिर कुछ करता, अगर मैं क्लिकबेट भी करता हूँ तो भाई अपनी गाड़ी से क्लिकबेट कर रहा हूँ, मैं किसी को कुछ हेट नहीं पहुँचा रहा, ठीक है, मैं पब्लिक को एंटरटेन करना चाहता हूँ, जो करना चाहता हूँ वो अपने दिल से कर रहा हूँ, जो कर रहा हूँ अपने लिए काम कर रहा हूँ और अपने लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, जो मेरी ऑडियंस है, जो मैं वो देखना चाहती है, ठीक है। तो इसमें गाइस फालतू में गाइस मेरी जीएफ को लेके आ गया बीच में एंड उसको भी, बट गाइस आप पहले पूरी रिकॉर्डिंग सुनो, उसके बाद गाइस आप जज करना, ठीक है, तो पूरी रिकॉर्डिंग की वाली रिकॉर्डिंग है, उसको पूरी आप सुनो एंड जज करो। हेलो 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 हेलो, हाय, आवाज आ रही है? आ रही है। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस बैठे थे ऐसे। मुझे एक बात पता चली, तुम्हारी पहले मम्मी कहाँ पे? तुम्हारी मेरी मम्मी बाहर गई है अभी। अरे तो गुस्से में क्यों बोल रही हो? मैंने कुछ बोल थोड़ी दिया।
नहीं आराम से धीरे से तो बोल रही हूँ, गुस्से से थोड़ी बोल रही हूँ। अच्छा एक्सपोज वीडियो देखी को एसआरबी की? हाँ देखी थी। उसमें उसने क्या क्या बोला? उसने डायरेक्टली पता क्या क्या बोला उसके अंदर कि इसकी जीएफ गलत है और क्या नाम है वो क्या नाम है इसकी जीएफ मेरे से बात करती थी, ये सच था? ये बिल्कुल भी सच नहीं है, उसने सब कुछ झूठ बोला है। मैं कैसे मान लूँ कि वो झूठ बोल रहा है? उसने तो मेरे को यही बोल दिया कि मैं उसकी जीएफ की रिकॉर्डिंग दे दूंगा। यार आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है क्या? यार आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है क्या? मैं कुछ बोल रही हूँ मेरी भी तो बात माननी चाहिए। उसने कुछ भी अपने 2 साल से मैंने तुम्हारी क्या क्या बात नहीं मानी ये बताओ मुझे। तो तुमने सब मानी है, मैं मना नहीं कर रही, बट उसने अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए अपने व्यूज बढ़ाने के लिए कुछ भी अपनी वीडियो में डाल दिया और तुमने वो मान लिया। तो अबे तो यार एक चीज मुझे ये समझाओ, उसने मेरे को डायरेक्टली ये बात बोली कि मैं तेरे को उसकी रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ और वो मेरे को रिकॉर्डिंग देगा ठीक है, और वो मेरी बात अब उसका सही नहीं हुई पता, उससे। अब ये मुझे ये चीज नहीं पता कि वो चीज भी वो यूट्यूब पे डाल दे तुम्हारी रिकॉर्डिंग, फिर तुम्हारी क्या इमेज रह जाएगी ये बताओ मुझे जरा। यार मेरी बात ही नहीं होती, मैं उसको कैसे समझाऊं कि मत डाल, मैंने बात ही नहीं की फिर उससे। उसने तुम्हें फॉलो क्यों किया इंस्टाग्राम पे? यार मैंने भी ध्यान नहीं दिया कि एसआरवी ने फॉलो किया, मेरे पास इतनी सारी फॉलो रिक्वेस्ट आती है तो मैंने एक्सेप्ट कर ली और फिर बात स्टार्ट। बात नहीं हुई मेरी उससे बात नहीं होती है सारवी से। आप गलत समझ रहे हो, आपको ट्रस्ट ही है क्या मेरे ऊपर? मैं इतनी बार बोल चुकी हूँ, आप मान ही नहीं रहे हो। तुम्हें मैं देखो यार सुनो मेरी बात, मैं डायरेक्टली इतनी चीज में नहीं पढ़ना चाहूंगा, मैं डायरेक्टली आपसे ये चीज बोल रहा हूँ। देखो सुनो, तुम उसके साथ खुश हो या मेरे साथ खुश हो, देखो क्योंकि मुझे पता है कि तुम अब मुझे पता है आजकल तुम ना क्या ही बोलूँ यार कुछ उल्टा ही निकल जाएगा मेरे मुंह से, आजकल तुम ज्यादा हवा में उड़ने लगी हो। तुम्हारे स्नैप्स देखता हूँ मेरे कभी रिप्लाई नहीं होते ठीक है, रिप्लाई होते तो बहुत ज्यादा लेट होते हैं क्योंकि मैं तो यार क्या ही बोलूँ। यार ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बहुत गलत समझ रहे हो मेरे को। तो उस दिन जब तुम्हारे या तो ये सब तुम्हारे फ्रेंड्स का चक्कर है, तुम्हारे फ्रेंड्स ने तुम्हें ऐसे ही उल्टा सीधा बोला है मेरे बारे में और तुमने मान ली, तुमने मेरे बारे में कुछ भी नहीं सोचा। एसआरबी के मैंने तुम्हारे पोस्ट में भी देखा था, मैंने एक स्टोरी के पोस्ट में, तो वो क्या उसने मैंने उसको पूछा भी था कि तू इसके साथ क्या कर रहा है, तो उसने मुझे मिला था बस फ्रेंड ऐसे मिलने आया था, तो भाई मिलने क्या चक्कर है भाई ये? हाँ तो वो बहुत पहले का चक्कर है, वो हम पहले बहुत मतलब ऐसी चक्कर है, जस्ट चक्कर फ्रेंड ये चीज तुम भी मानते हो कि चक्कर है? कुछ भी ये सब ऐसे वो वाला चक्कर नहीं है, ये सब जस्ट फ्रेंड्स हैं हम और एकदम से ऐसे मिल गए थे तो इसलिए मैं मिल रही थी उससे, इसलिए पहुंच जा रही थी। तो ऐसे कोई स्पेशल मिलने के लिए नहीं बुलाया था उसने मुझे, ऐसे रास्ते से जा रहे थे वो मार्केट मेरा में दोस्त, मैं भी वो मेरा दोस्त था, तुमने ये चीज मेरे को बताई कि तुम भी आ जाओ मिलने अगर वो आ रहा था मिलने, अगर एसआरबी मेरे से मिलने आता। यार उस टाइम पे तुम बिजी थे कहीं पे, तुम मेरे से ही बात नहीं कर रहे थे तो मैं तुम्हें कैसे बताती, और ये इतनी बड़ी बात नहीं थी कि मैं तुम्हें बताऊं, मेरे लिए तो नॉर्मल थी ये बात, और ऐसा कुछ भी चक्कर नहीं चल रहा है। ये चीज तो गलत थी ना, मुझे तो बहुत ज्यादा बुरा लगा ना, मुझे तो लगेगा क्योंकि 2 साल से मेरा रिलेशन तुम्हारे साथ चल रहा है, तो वो चीज तो मुझे गलत लगेगी लगेगी ना, क्योंकि मैं तो सीरियस हूँ, मुझे तो ये नहीं पता ना कि तुम अब सीरियस हो नहीं हो, तुम बीच में सीरियस थी मैं मानता हूँ। यार अगर तुम ऐसे सोच रहे हो ना तो तुम भी सीरियस नहीं हो, अगर तुम सीरियस होते तो तुम मेरे पे कभी डाउट ही नहीं करते, तुम्हें ट्रस्ट होना चाहिए पूरा। अब एसआरवी का क्या चक्कर है मुझे ये समझाओ, एसआरवी का कुछ भी चक्कर नहीं है, तुम मेरे साथ रहोगी या एसआरवी साथ रहोगी मुझे सब कुछ समझाओ, क्योंकि उसने एक्स वोजे मुझे तो बहुत बुरा लगा ना कि तुम्हारे बारे में। बात आ गई एसआरवी की, बात कहाँ से आ गई, ये कंपैरिजन थोड़ी है, इतनी बड़ी बात थोड़ी है, तुम्हारे साथ ही हूँ मैं रिलेशन में यार, इतनी बात तो समझो, इतना बड़ा कंपैरिजन कैसे कर लिया तुमने? मेरी कसम खाओ उससे मेरी बात भी नहीं होती, मेरी कसम खाओ। यार ये क्या बात है, ये बच्चों वाली हरकतें होती है, ये तो कोई बात नहीं हुई। तो मैं समझ गया ना फिर तो, अब गेम पूरा, आप मुझे ये समझाओ, आप मेरी कसम खाओ, ये बच्चे वाली बात बात मुझे नहीं पता, तुम कसम खा लो मैं मान जाऊंगा तुम सच्ची हो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम, मुझे पता है कि तुम मेरी झूठी कसम नहीं खा सकती कभी भी, तो मुझे कसम चाहिए, अब कसम खाओगी तुम? ये क्या बात हुई, अगर इस बात पर मैं नाराज होकर बैठे और मुझे गुस्सा आ रहा है तो मैं कैसे पूछ रहे हो मेरे से डायरेक्ट? अब ना मेरे पास कॉल करने की जरूरत नहीं है, ओके मेरा डिसीजन खत्म है, क्वेश्चन खत्म है, सो भाई ये कोई बात नहीं होती।
सो गाइस आपने पूरी रिकॉर्डिंग सुनी, ठीक है? ये मेरी गाइस जीएफ की रिकॉर्डिंग थी, जो बातें सो है, ठीक है? मैं डायरेक्टली गाइस यहाँ पे जो भी मेरी जीएफ थी उसका मैं यहाँ पे फेस नहीं दिखाना चाहता, क्योंकि मैं उसको पब्लिशली नहीं करना चाहता, ठीक है? उसको वो ठीक है, चला यार, जो भी कुछ है, मेरे लिए उसके लिए फीलिंग्स थी या नहीं थी मुझे नहीं पता, बट 2 साल से मेरा चल रहा था उसका रिलेशन था मेरा, ठीक है? और कभी मैं ऐसे ये चीज़ नहीं सोच के चलता था कि भाई वो मेरी जीएफ है तो वो मेरी जीएफ ही रहेगी, मैं उसको पता नहीं क्या क्या चीज़ें, मतलब क्या क्या सपने सजा रहा था फालतू के, फिर जो भी होता है भाई, ठीक है? जो बंदे प्यार करते हैं, जो आशिकी में पड़ जाते हैं, तो वही मेरा सीन चल रहा था, ठीक है? तो अब क्या था भाई, सीन क्या चल रहा था कि अभी ऐसा भी जो बात करें, आपने गाइस पूरी रिकॉर्डिंग सुनी तो आप खुद आप जज कर सकते हो भाई गलत कौन था या फिर गलत कौन नहीं था, ठीक है? चलो ऐसा भी अपनी जगह अगर ठीक होता तो भाई मुझे बताता इस बात को कि मेरे तेरे जीएफ का रिलेशन चल रहा है, ठीक है, जो भी कुछ है, बट उसने नहीं बताया, ठीक है? वो क्यों नहीं बताया, अब वो मुझे भी नहीं पता भाई, सबके अंदर होता है भाई अपना अपना कि क्यों नहीं बताया, जीएफ ने भी नहीं बताया भाई, मेरे लिए तो दोनों ही खत्म हो चुके हैं, ठीक है? अब मैं, मेरे अंदर गाइस वो चीज़ नहीं है कि मैं उसको ना लड़की की मतलब कि फोटोज डाल दूँ या फिर लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दूँ, ऐसा अंदर मेरा बिल्कुल नहीं है, ऐसा कोई ना कोई मोटिव नहीं है, ठीक है? जो भी कुछ है गाइस दिल के अंदर रख के आप लोगों के थोड़ा शेयर कर लिया मैंने, बट आपको फोटो कुछ नहीं दिखाई, ठीक है? ऐसा भी अपने जगह ही काम कर रहा है, मैं अपनी जगह ठीक काम कर रहा हूँ, बट जो उसने जो किया है मेरे साथ वो बहुत ज़्यादा गलत है, ठीक है? मैं डायरेक्टली जो बोलता हूँ अपनी पब्लिक के सामने, उसने गलत किया है, ठीक है? बस ठीक है, चलो कोई बात नहीं गाइस, आपने गाइस अब गाइस कमेंट में आप जज करना कि कौन गलत था एंड कौन सही था, एंड मैं मानता हूँ गाइस एक जो लड़की होती है ना वो दो दोस्तों के बीच लड़ाई जरूर करवाती है, पर अगर SRB का थोड़ा बहुत दिमागदार होता तो मुझे डायरेक्टली बताता कि भाई तेरी जीएफ ने फ्लर्ट कर रही है, फिर मेरी जीएफ ने भी ऐसा कुछ नहीं बताया, तो भाई मेरे लिए दोनों ही गलत है, जो भी कुछ है दोनों ही गलत है मेरे लिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। एंड गाइस जो मेरा कंटेंट आता है वो आता रहेगा, गाइस कमेंट से बता सकते हो गाइस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। आज मेरा बहुत ज़्यादा मूड ऑफ था, उसने जो मेरी रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब पर डाली तो मुझे वो चीज़ बहुत ज़्यादा गलत लगी, एंड उसको ऐसा नहीं करना चाहता वो जब से, क्योंकि हम एक से दो साल से हम दोस्त थे, तो उसने दोस्त को मिट्टी में मिला दिया, जो भी कुछ था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोला जाऊँगा गाइस, बाय एंड बस, बाय गाइस।